सबसे पहले जो सामान्य यातायात है इसको निकालने के लिए निर्धारित रूट है उसका ब्यौरा आप तक पेश कर रहे हैं, जहाँ पर संजय सर्किल से ब्रह्मपुरी व आमेर की तरफ जाने वाले हल्के वाहन सरोज सिनेमा माउंटेड रोड से रामगढ़ मोड़ पर जा सकेंगे। वहीं जलमहल से आने वाले वाहन सुभाष चौक, चार दरवाज़ा, घोड़ा निकास रोड, रामगंज चौपड़, बड़ी चौपड़, त्रिपोलिया बाजार, चौड़ा रास्ता, न्यूगेट एवं गार्ड गेट बाजार, गार्ड गेट के बाहर निकल सकेंगे। वहीं सुभाष चौक से दुपहिया वाहन बांदरवाल गेट, नगर परिषद की मोरी, जनानी ड्योरी, शार्दुल सिंह की नाल, साथ में कर्ण गौरी बाजार की तरफ जा सकेंगे। इसके अलावा अजमेर रोड एवं खासा कोठी की तरफ से आने वाले हल्के वाहन गी हॉस्टल चौराहा, एमआई रोड, अजमेरी गेट से किशनपुर बाजार में प्रवेश करेंगे। और अब आपको दिखा दे हमारे संवाददाता विश्व शर्मा की रिपोर्ट। धूमधाम से दीपोत्सव मनाया जा रहा है। राजधानी जयपुर में भी जो दीपावली की जो रौनक है वो देखी जा रही है। इस बार राजधानी जयपुर को अयोध्या की थीम पर सजाया गया है और राजधानी जयपुर में भी अयोध्या की जो झलक है वो यहाँ पर नजर आ रही है। चौराहों पर राम दरबार सजाए गए हैं, लोग लगातार खरीदारी करने आ रहे हैं। जो मिट्टी के दीपक हैं वो लोग खरीद रहे हैं और साथ के साथ जो सुंदर आकृतियाँ मिट्टी से तैयार की गई है उनको भी खरीदा जा रहा है। छोटी चौपड़ पर जो भारी जाम है वो यहाँ पर देखा जा रहा है, क्योंकि लगातार जो ट्रैफिक का दबाव है वो शहर में बढ़ रहा है। इसी वजह से जो ट्रैफिक व्यवस्था है वो भी चरमराई हुई है और पुलिस के तमाम जवान हैं वो ट्रैफिक व्यवस्था संभालने में लगे हुए हैं। सुरक्षा के भी कड़े इंतजाम किए गए हैं, आप तस्वीरों में देख सकते हैं। चारों तरफ जो पुलिस की जिप्सियां हैं वो तैनात की गई हैं। दंगा नियंत्रण वाहन सहित तमाम जो फायर ब्रिगेड्स की गाड़ियां हैं उनको भी अलर्ट मोड पर रखा गया है। प्रदेश में जो दिवाली का जो धूमधाम से त्यौहार है वो मनाया जा रहा है। लोग लगातार जो है मिट्टी के दीपक है वो खरीद रहे हैं। सुंदर आकृति की जो चीज़ें हैं वो यहाँ पर ली जा रही हैं। आप तस्वीरों में देख सकते हैं किस तरह से जो अलग अलग तरह की जो जो तस्वीरें हैं वो बनाई गई हैं। वैसे आप क्या खरीद रहे हैं आप? ऐसी वैसे आप दिवाली की शॉपिंग वगैरह, दिवाली की शॉपिंग कर रहे हैं, दीपक खरीद रहे हैं, कैसा माहौल है दिवाली का? ठीक है माहौल तो। अयोध्या की झलक दिख रही है जयपुर में? अयोध्या से तो क्या बताया, दिख ही रही है ना झलक तो, राम राम हो रहा है। खैर वो तो दिख ही रहा है। तो पूरे जो मार्केट है उसमें जय श्री राम अलग अलग जगह लाइटों से लिखा हुआ है, आप देख सकते हैं तस्वीरों में। जो शहर में सुंदर है लेकिन मेरा सर सुंदर आकृतियां हैं वो बनाई गई हैं और पूरे प्रदेश भर से लोग जयपुर की दिवाली देखने आते हैं और जयपुर में अलग अलग जगहों पर अलग अलग जो सजावट की चीजें हैं वो मिलती हैं और जयपुर की जो दिवाली है वो धूमधाम से लोग मनाते हैं। इसी वजह से जो लोग हैं वो यहाँ पर जयपुर में आते हैं दीपक खरीदने, तमाम चीज़ें हैं वो यहाँ पर खरीदने आते हैं। ट्रैफिक को संभालने के लिए भी पुलिसकर्मियों को तैनात किया गया है। श्री जो लक्ष्मी जी की मूर्तियाँ हैं, गणेश जी की मूर्तियाँ हैं वो मिट्टी से भी तैयार की गई हैं अलग अलग तरीक़ों से। जो साज सजावट की चीज़ें हैं वो भी लोग ले रहे हैं। मैं कैमरा पर्सन से कहूँगा एक बार दिखाएँ गुलाबी नगरी की तस्वीरें। जो पूरा उत्साह है त्यौहार का जिसकी वजह से जो ट्रैफिक है वो भी काफ़ी गुलाबी नगरी में देखा जा रहा है और लोग लगातार जो खरीदारी है वो कर रहे हैं। दुकान पर पहुंच रहे जो दुकानें हैं उन पर पहुंच रहे हैं। दीपक सहित अलग 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 जो तरह की जो सजावट की चीज़ें हैं वो गुलाबी नगरी में खरीदी जा रही हैं। श्री राम की झलक है वो गुलाबी नगरी में नज़र आ रही है। आप मार्केट में जो भीड़ है वो चारों तरफ देखी जा रही है, लोग अलग अलग तरह की जो चीज़ें हैं वो खरीद रहे हैं। पूरे इस बार राजधानी जयपुर को जो अयोध्या की थीम पर सजाया गया है, जो लाइटिंग है वो भी अयोध्या की थीम पर की गई है, इसीलिए भी दिवाली जो है खास तौर पर यहाँ पर मनाई जा रही है। कैमरा पर्सन राकेश गुप्ता के साथ विष्णु शर्मा।